विधायक, हाँ छह विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के और दूसरे नेताओं के हमारे प्रभारी के संपर्क में लोग हैं, कांग्रेस के आरजेडी के संपर्क में हैं, जो मौके की तलाश में हैं और बात कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन से पलटी मारकर नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ नई सरकार तो बना ली है, लेकिन खेला अभी जारी है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार की नई सरकार को बहुमत साबित करना है और उसके पहले कई खेल भी हो रहे हैं। कांग्रेस अपने ज़्यादातर विधायकों को लेकर हैदराबाद में डोरा डाले हुई है, लेकिन जो बिहार में हैं, जो पटना में हैं, उसमें से एक विधायक विजय शंकर दुबे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक। ये बताइए, कांग्रेस को क्या ऐसा लग रहा है जो पहले दिल्ली बुलाया गया, फिर उसमें से 16 विधायक हैदराबाद चले गए हैं? देखिए, इसमें कुछ लगने का, पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे देश की पुरानी पार्टी है। ऐसे मौके पर अपने सदस्यों से पार्टी के संदर्भ में, इस मौके के संदर्भ में राय लेने और विचारों परांत जो विचार उपजे उसको कम्युनिकेट किया अपने विधायकों से, हाईकमांड का निर्देश प्राप्त हुआ, इसी के लिए दिल्ली बुलाया गया था और हैदराबाद लोग गए हैं। पार्टी का ये निर्णय हुआ कि हैदराबाद लोग हो लें। पार्टी के विधायकों पर हाईकमांड का या किसी व्यक्ति का कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के विधायक संदेहों से परे हैं और हमारी एकता तो कई बार टेस्ट हो चुकी है, इस बार भी कांग्रेस पूरी एकता के साथ नीतीश जी के विश्वास मत के प्रतिकूल एकजुटता के साथ अपने गठबंधन के साथी आरजेडी, माले, CPI CPM इन सारे घटक दलों के विधायक एक साथ पोल करेंगे और सामूहिक निर्णय जो हो चुका है उसके साथ सब लोग बंधे हुए हैं और सब लोग उसी निर्णय पर कायम हैं। लेकिन हैदराबाद ही क्यों? क्योंकि वो तो पटना में भी हो सकता था, दिल्ली में भी हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आलाकमान हो या कांग्रेस को ये भरोसा नहीं है कि सारे विधायक एकजुट रहेंगे, तभी तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा नहीं है, चूंकि अब विधायकों ने राय जाहिर की, मैं भी मीटिंग में था, कुछ लोगों ने राय दे दिया तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कहा कि ठीक है तो आप लोगों को घुमा दिया जाता है। सिर्फ घूमने के लिए गए हैं? हाँ, आप नहीं गए, 3 विधायक, 19 विधायक हैं, 16 गए हैं, 3 विधायक क्यों यहीं घूम रहे हैं, आप क्यों पटना में ही घूम रहे हैं? देखिए, पटना में भी रहने का हमारा प्रयोजन है, हम यहाँ के उससे संदर्भित अन्य मामलों पर नज़र रखे हुए हैं, उसके संदर्भ में हमें जो मार्गदर्शन मिलता है वो काम हम कर रहे हैं पार्टी के काम में। साथ ही हमारे छोटे लड़के का, कुमार शिवम की शादी होने वाली है, समय बिल्कुल करीब है, 2-4 दिन के बाद बारात लेकर के हमको MP जाना है। 12 का जो अवसर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उस दिन तो मैं हर हालत में यहाँ रह ही रहा हूँ और पार्टी पूरी एकजुटता के साथ है और राजनीतिक संदर्भ में पार्टी का जो निर्णय है, महागठबंधन का जो निर्णय है, और लालू जी जैसे टेस्टेड लोग जिनका अनेक बार टेस्ट हो चुका है कांग्रेस के साथ रहने का, उनके साथ मिल करके महागठबंधन के तमाम घटक दल खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ ताकि बाकी राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रख सकूँ, क्या कुछ JDU या BJP के विधायकों पर भी नज़र है? देखिए, ये सब लोग
कहीं ना कहीं अपने तरीके से काम करते होंगे। कांग्रेस भी इस मौके पर पूरी तरह से सतर्क है और जो लोग भी संपर्क कांग्रेस हाईकमांड से, कांग्रेस के लोगों से, प्रभारी से, अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क में हैं, उनको साधने का और राजनीतिक बात करने का, चर्चा करने का कांग्रेस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। कितने लोग आपके संपर्क में हैं, कितने विधायक? देखिए, कांग्रेस को ऐसे तो समूचे प्रकरण में अलग अलग दूसरे दल के लोग भी कांग्रेस के आरजेडी के संपर्क में हैं, जो मौके की तलाश में हैं और बात कर रहे हैं। तो ये महागठबंधन पूरी तरह से किस दल के लोग संपर्क में हैं, किस दल के विधायक? अभी नाम लेना उचित नहीं है। व्यक्ति का नाम नहीं लीजिए, किस पार्टी के कितने विधायक? आप ये बताएं, जेडीयू के कितने विधायक संपर्क में हैं कांग्रेस के? नहीं, जेडीयू के विधायक भी संपर्क में हैं। मैं संख्या नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग संपर्क में हैं और कांग्रेस स्थिति का मुआयना कर रही है और हाईकमांड, बिल्कुल हाईकमांड के टच में सारी बातें हैं। अच्छा, विधायक मतलब क्या, जेडीयू के ही संपर्क में है या बीजेपी के विधायक भी संपर्क में हैं? देखिए, बीजेपी के भी एक दो आदमी कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं। दो आदमी बीजेपी के और जेडीयू के? हाँ, जेडीयू के अब संख्या एक्चुअल नहीं बता सकते, फिर भी कुछ एक फिगर जो दावा हो जेडीयू के कितने विधायक। जेडीयू के भी हमारा ख्याल है कि 5-6 विधायक। हाँ, 6 विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के और दूसरे नेताओं के, हमारे प्रभारी के संपर्क में लोग हैं। यानी कि 12 को जो विधायक विश्वास मत होना है, अगर 2 विधायक बीजेपी के और 6 विधायक जेडीयू के, 8 विधायक हुए, इनके पास 128 है, तो 8 विधायक अगर आप तोड़ लेते हैं तो ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी तैयारी मतलब महागठबंधन की तैयारी, महागठबंधन की एकता पूरी तरह से है कि विश्वास मत को गिरा दिया जाए और गिरा करके नई व्यवस्था, नई सरकार का गठन हो, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। मांझी जी से भी संपर्क किया गया होगा? अब सारी बातों को इतना अभी कहना उचित नहीं होगा, सारे पत्ते नहीं खोलेंगे। नहीं, सारे पत्ते खोलने ठीक नहीं है, बहुत ही ये बात कॉन्फिडेंशियल है और सब लोग अपना अपने खेल के लिए तैयार हैं। मतलब आप भी कह रहे हैं खेल, तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है या खेल अभी शुरू हुआ है, वो खेल होगा? निश्चित रूप से होगा। चलिए, तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, इनका दावा है कि खेल होगा, खेल तो अब शुरू होगा। नीतीश कुमार ने भले ही शपथ ले ली, नई सरकार बना ली पलटकर, लेकिन कोशिश है महागठबंधन की किसी भी सूरत में 12 फरवरी को विश्वास मत को गिरा देना है। और दावा ये है कि बीजेपी से लेकर जेडीयू के 8-10 विधायक कांग्रेस के और आरजेडी के संपर्क में हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।